नमस्कार, मैं अरुण कुमारी और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त है मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, अनूपपुर जिले के रेलवे स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर कोतवाली पुलिस और रेलवे पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। और दूसरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, चोरही के मुआरी शासकीय स्कूल के सामने बुधवार की शाम 6:30 बजे हुए सड़क हादसे में मजदूर की मौत हो गई। वहीं वाहन में सवार दो अन्य मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि वाहन में अवैध रेत खनन के बाद परिवहन किया जा रहा था, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ। और तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरसपुर तिराहे पर बीती रात एक बुलेरो सवार युवक के साथ पान ठेले में मौजूद दो लोगों ने मारपीट की, साथ ही बुलेरो में आग लगा दी। इससे वाहन जलकर खाक हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने जितेंद्र देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और राकेश फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। और चौथी खबर की ओर चलते बता दें, न्यूनतम पेट्रोल पंप से डीजल भराकर भाग रहे कार सवार को रोकने का प्रयास कर रहे एएसआई नरेश शर्मा पर बदमाशों ने गाड़ी चढ़ा दी। अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, वहीं मामले की जाँच शुरू कर दी है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, इंदौर में एक 18 साल के स्टूडेंट की कोचिंग में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसे पढ़ते समय हार्ट अटैक आया और उसने अपने दोस्तों के सामने ही दम तोड़ दिया। मामला भवर कुआं स्थित कोचिंग का है। बता दें, छात्र इंदौर में किराए के मकान में पढ़ाई कर रहा था, वह सागर का रहने वाला था। छात्र का नाम राजा लोधी है, उसके पिता पीएचसी में इंजीनियरिंग है। बता दें, राजा अधिकारी बनना चाहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे पब्लिकेशन न्यूज से। नमस्कार।